इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। लोगों को आज जो मेरे इस्लाम में आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का वजह यह है कि जैसे आप सब जानते हैं कि कुछ रोज़ पहले हमारे एक नौजवान अरबाज मुल्ला, इनकी एक बेरहमी से इनको मारा गया है, इनकी हत्या हुई। हम अंजुमन इस्लाम में सभी मेम्बरान हमारे इस केस को फॉलो कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, ऑफिशियल से मिल रहे हैं। कल ये पता चला कि रेलवे पुलिस में ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है करके दरगाह में एसपी को एक केस ट्रांसफ़र किया है। हम एसपी साहब से भी अभी जाके मुलाकात करेंगे, हमारे पूरे मेम्बरान, और एक केस के जब तक रूट तक नहीं, जड़ तक नहीं पहुंचते, हम इसे फॉलो ही करते रहेंगे। सिर्फ अरबाज मुल्ला की बात नहीं है, ये अरबाज मुल्ला की माँ की बात नहीं है, हर नौजवान की माँ, चाहे वो जॉन हो या पाटिल हो या कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, तो पूरे वतन में, पूरे देश में यही पूछ रही है कि हमारे बच्चों का आगे फ्यूचर क्या है। गहराई से होने लगा, किस लिए अरबाज को मारा गया, कौन ये लोग हैं जो अरबाज को मारे, क्यों इसे बुरी तरह से, इतनी बुरी तरह से मारा गया। हर माँ और यह हर पेरेंट का दर्द हम सब जानते हैं। हम पेरेंट्स हैं कि बच्चों को बड़े करने से, उनको पढ़ाने से, उनको सिखाने से कितनी तकलीफात उठानी पड़ती है, और इसे एक नौजवान बच्चों को बेरहमी से मारा जाता है। हमें, हमारी सबसे दरखास्त है, स्टेट गवर्नमेंट हो या डीसी साहब हो या एसपी साहब हो या एनजी साहब हो, कि जल्द से जल्द जो भी कल्प्रिट्स हैं इन्हें अरेस्ट कीजिए। जैसे जुडिशरी में कहा जाता है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मर्डर, जो बेरहमी से जो कत्ल किए जाते हैं, उन्हें एक सेपरेट फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिया जाता है, सुनवाई अलग से होती है और इमीडिएट उसका फैसला होता है। हम सिर्फ एक मुसलमान का बच्चा हुआ है करके नहीं बात कर रहे हैं जो बन रहे हैं आज, हम हर बच्चे के लिए बात कर रहे हैं, हम हर बच्चे की सिक्योरिटी के लिए बात कर रहे हैं, हम हर बच्चे की हिफाजत के लिए बात कर रहे हैं। सिर्फ अरबाज मुल्ला की माँ नहीं, हर माँ के लिए हम पूछ रहे हैं, हर माँ ये सवाल कर रही है, हर माँ आज सोच रही है, आज डर रही है अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए। हम इसमें कोई सियासत या कोई कौमी रंग नहीं लाना चाहते, हम यही चाहते हैं कि अरबाज को जल्द से जल्द जस्टिस मिले और जो भी उसके कातिल हैं फास्ट ट्रैक में लेके उन्हें फांसी की सजा तक पहुंचने का काम सरकार करे।
ये जो अरबाज मुल्ला जो मेरा खाला का बेटा है 28 तारीख को इसका मर्डर हुआ है, तो इसकी अरबाज मुल्ला 2018 ईयर एंडिंग में खानापुर शिफ्ट हुआ था, जहाँ पे ये लव स्टोरी उधर से स्टार्ट हुई है, जहाँ पर लड़की पड़ोस में थी वहाँ से उनकी फ्रेंडशिप हो गई, लव स्टोरी शुरू हो गई। ऐसे ही एक तकरीब हम 1.5 साल 2 साल तक चलता गया केस, और सडनली 1.5 महीने से फिर उसको अपोजिशन पार्टी वाले इसमें इन्वॉल्व कर इसका कि इसको धमकियाँ फ़ोन वगैरह आता गया, ताकि अरबाज उससे टॉर्चर होकर कुछ अलग अलग से हरकतें में कर रहा था, टेंशन में आ रहा था, ऐसा सब चलता गया। फिर सडनली ज़्यादा कॉल आने में उसकी माँ ने वो बेटे का फ़ोन छीनकर बात की, तो उसमें महाराज पुल्लिंग राम सेना बोल के नाम था मोबाइल में, तो उससे बात की तो महाराज ने कहा ऐसा ऐसा आपका बेटा हम आतंक की लड़की साथ अफेयर कर रहा है, इसके लिए आप सामने आके बात करना पड़ेगी। तो उसकी मम्मी बिना डरे उसी वक्त संडे 26 तारीख को खानापुर चले गई। फिर उसके माँ को कॉल आता है कि हमारे 1000 लोग बहुत गुस्से से मारने पे तुले हुए हैं, आप 1 किलोमीटर पहले ही खानापुर से रुकिए, हम आके बात करेंगे। फिर वहाँ पे बात हो गई, अरबाज को थोड़ा डराया गया, धमकाया गया, हम ऐसे लोग हैं, 40 केस है, हम एसिड फेंक कर भी मार सकते हैं, ये सब डरा कर उसको मोबाइल से फ़ोटो डिलीट करके सिम तोड़कर और आइंदा दोबारा ऐसा कांटेक्ट ना करे ऐसा बोलकर भेजा गया कुछ पैसों का डिमांड करके। फिर अरबाज और माँ ने फिर रिटर्न अपने घर को पहुँचा, उसमें मंडे 27 एक दिन गैप था, और ट्यूसडे कुछ अरबाज की माँ को कुछ अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के काम के लिए गोवा जाना पड़ा और अरबाज अकेला था। फिर अरबाज ने 2-3 बजे माँ को कॉल करके पूछा, मम्मी मुझे फिर से फ़ोन आना स्टार्ट हो गए है, धमकी आ रही है, तुझको भी धमकी आ रही है क्या? माँ ने बोला मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। तो अरबाज ने बोला ठीक है माँ, तो आते वक्त कुछ पार्सल लेके आ, हम मिलकर खाएंगे और तू भी सेफ आ, मुझे तुझे भी मार दें बोल के ऐसा धमकी आ रही है बोलकर। ये बात उसकी लास्ट हो गई। और अरबाज की जो नानी है जो आज़म नगर में अपने फ्लैट में रहते हैं, तो लास्ट बात अरबाज की नानी से अरबाज से हुई है, वो इतना बोल के गया कि नानी ये 2 फ़ोन रख कर ले, कोई मारने आ रहे हैं और मोबाइल्स काट के लेके जा रहे हैं, ये फ़ोन्स लेके तू भी किधर भी चले जा रिलेशन के घर में, मैं 4 लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं जाकर आता हूँ, बस इतना कह के अरबाज ने 5 बजे बेलगाम से निकला। फिर निकलने के बाद सीधा हमको जब उसकी माँ भी पहुँची थी 8 बजे तक, उसके बाद रेलवे स्टेशन से ट्रैकमैन एम्प्लॉय कॉल किया माँ को और बोला कि ऐसा ऐसा आपका बेटा परेशान है, मोबाइल मिला है, वो ये नहीं बोला कि डेड बॉडी पड़ी हुई है। फिर उसके माँ ने बोली ठीक है ये मोबाइल हमारे रिलेशन के एक होटल में दे दो, हम आके कलेक्ट करेंगे। फिर वो रेलवे ट्रैक ने वो होटल को सारी स्टोरी बता दी कि इसी से रेल ट्रैक पे एक सुसाइड हुआ है बोलकर दे दिया। फिर कन्फर्मेशन के लिए हमें सब जगह मेरे भाइयों को दोस्तों को कॉल आते गए, जाकर 8:30-9 बजे कन्फर्म करके देखा तो अरबाज की वहाँ पर लाश गिरी हुई थी। फिर ऐसे ही रात तक चलता गया, फिर हमें थोड़ा हमको लगा कि अरबाज के हाथ बांधे हुए हैं। फिर जैसे ही रेलवे पुलिस आ गई सर्वे करी, जब अरबाज की लाश को पलटा गया तो उसके दोनों हाथ बांधे हुए थे। फिर हमें कंफर्म हुआ और हम पुलिस से रिक्वेस्ट की कि सर ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। फिर उसके बाद पुलिस हमको फिर रिटर्न अरबाज को और माँ को और मुझे लेकर जाके FIR करवाया। FIR होने के बाद में बस सर फिर यही सबको स्प्रेड होते गया मीडिया में और सभी, तो अभी तक इसका केस चल रहा है। पुलिस तो बोली 2 दिन का टाइम दो, 4 दिन का टाइम दो बोलकर, वह ऑलमोस्ट आज 1 हफ्ता हुआ है तो अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया है। और जहाँ तक दिख रहा है उन लोग पुलिस भी फास्ट काम कर रही है और रेलवे पुलिस से ट्रांसफ़र किया गया है लोकल पुलिस को। साथियों, हम सब लोग जानते हैं जिस तरीके से ना कि सिर्फ बेलगाम में बल्कि पूरे भारत देश में आए दिन भारत देश के मूल निवासी बहुजन समाज में से चाहे जो भी हो, चाहे SC हो, ST हो या फिर कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ हो, इसके ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। और
ये अन्याय अत्याचार इस कदर बढ़ गया है कि इसकी दरिंदगी को बयान करने के लिए भी शैतान का कलीजा चाहिए। इस कदर यह अन्याय अत्याचार बढ़ता गया है और उसी अन्याय अत्याचार का एक रूप आज हमारे राज्य कर्नाटक में और कर्नाटक की सेकेंड राजधानी कही जाने वाली बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में भी ये वाकिया हम लोगों को देखने के लिए मिला है। जो वाकिया अरबाज मुल्ला के साथ में हुआ वो कोई आम वाकिया नहीं है, ये एक ऐसा वाकिया है जिसके ज़रिए से समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की है। चंद समाज में रहने वाले अराजकता फैलाने वाले अतथ्यों के ज़रिए से कि अगर समाज में कोई ऐसी हरकत आइंदा से आने वाले दौर में करने की जुरात करता है तो उसका भी हाल इसी तरीके से किया जाएगा। हमारा ऐसा मानना है बहुजन क्रांति मोर्चा का कि ये जो वाकिया है, इस वाकिये के ज़रिए से समाज में खौफ, समाज में दहशत और समाज में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए किया गया एक वाकिया है और अरबाज उसका एक मोहरा बन गया है। हम सब लोग जानते हैं भारत देश एक संविधानिक राष्ट्र है, ये संविधान के ज़रिए से चलने वाला राष्ट्र है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत देश के संविधान में आज़ादी दी गई है कि आप किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, किसी भी लिंग के क्यों ना हो, किसी जाति के क्यों ना हो, किसी धर्म के क्यों ना हो, आपके लिए किसी किस्म का कोई बंधक नहीं है प्यार करने के लिए, शादी करने के लिए। मगर उस संविधान का अपमान करते हुए, उस संविधान की हत्या करते हुए जिन अराजकता फैलाने वाले जो तत्व हैं ये काम किए हैं, उन्हें इसी संविधान के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ आज के इस प्रेस मीट के ज़रिए से, आपको भी संविधान के माध्यम से वही हाल किया जाएगा और उसी तरीके से आप लोगों को भी शिक्षा देने का प्रयास यहाँ पे मौजूद सारे संगठनों के माध्यम से किया जाएगा। अरबाज मुल्ला और ऐनो हत्य आगे अब बरी और हत्य मात्र अल इू पूर्ति मानवीय हत्य अस्टे अल हिंदे यहा संघटने विचारधारे केस अदर बे ना लक्ष को विषय नोड़ इू बरी बेलगवी वो क्षेत्र के सीमित विषय अल इडी कर्नाटक ना नोड़े गांधीजीवर्गे ना बिटिल अंत होम मिनिस्टर सॉरी नम मुख्यमंत्री आगिवंत बोम्मई धमकी को अस्े अल लौड स्पीकर अंत विषय आगे मसीदी मंदिर अवंत विषय बाबा गुडनगिरी धार्मिकत बदली सुसंघटितवाद विचारधारे केस ऐन नम भारत संविधान मेले प्रश्न नम भारत संविधान जनरू एला धर्म व्यक्ति ऐकत्व ऐन अदू इंत विचारधारे के हिंदू मुस्लिम भाई भाई अवंतन विषय इतना अदू दिन निकट कड़म आगता है। अद्क ना बरी बेलगवी क्षेत्र के सीमित वे इडी कर्नाटक नड़ीत विषय ना परगण यम मुख्यमंत्री सेफी अंदा नमंत निम्त सामान्य व्यक्ति ऐन सेफी अदे नमें सेफ्टी इंपारटेंट आ सेफ्टियागड़स नम राज्य सरकार सेफ्टियागड़स नम पुलिस डिपार्टमेंटवरद इवर ना बिड़ोदी अंत विचारधारे ऐन आ विचारधारे इवतु अरबाजन को अंत विचारधारे कानूनात्मक यीतल नाशपड़ आशपड़ केस राज्य सरकार नानू प्रेस मीट मुखांतर केकोता पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से सबसे पहले तो मैं जो इशू हुआ है इसको हम कंडेम करते हैं और हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट है तो मैं बताना चाहता हूँ आरएसएस और श्रीराम सेना प्लानिंग करके इस इश्यू को अंजाम दिए हैं। ये जो काम हुआ है ये पूरी तरह से आरएसएस और श्रीराम सेना के स्टेट के लीडर्स के नज़र में उनके प्लानिंग के साथ में ही ये काम को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है
इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन नहीं लिया गया तो पूरे स्टेट में हम लोग इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। कि अरबाज मुल्ला के कत्ल के ताल्लुक से जो भी आज तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, डिपार्टमेंट ऐसा लगता है कि बहुत स्लो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और साथ ही साथ अरबाज का ही मामला नहीं है, जब से देखा जा रहा है पिछले चंद दिनों से जो है हमारे बेलगाम ज़िला भी जो है श्री राम सेना और दूसरे हिंदू नवाज तंजीमों की जो है जुल्मियत का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि कभी गो हत्या के नाम पर तो कभी लव जिहाद के नाम पर ये लोग जो है ने जुल्म करते हैं। तो आखिर इसमें कुछ न कुछ प्लानिंग से काम हो रहा है। हम इसका जो है पुरजोर इसकी मजम्मत करते हुए इसका खंडन करते हैं कि ऐसे वाक़यात दोबारा पेश ना आए और जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करके जो है इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दें, यही हमारी मांगनी है। उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर क्या करना है, कार्रवाई करना है। हम लोग देखते हैं अक्सर कि इशू कोई तो करता है, दूसरा कोई भी आकर वहाँ पर रुकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक केस के अंदर जो असल कल्पेट्स है उसको क्या करना है, जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे सलमान भाई बताए, अगर ये डिमांड्स हमारे अगर पूरे नहीं होंगे तो हम लोग पूरे कर्नाटक भर में क्या करेंगे, एहतजाज करेंगे। और सख्त से सख्त एहतजाज करने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पर।